हे गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग। अभी बजे है दोपहर के 12 और हम लोग निकल रहे हैं कुकरवाड़ी वाटरफॉल, कुछ तो भी है देखते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ वहाँ पर, तो शेयर करते हैं। तो बारिश का मौसम तो है पर क्लाउड्स भी है वैसे, तो देखते हैं बारिश मिलेगी या नहीं आगे जाके हमें। नहीं, अरे वीडियो निकल रहा तू। अरे वीडियो अरे, अरे, अरे हम लोग अभी फाइनली निकल गए और अभी कितने कितने बजे अभी फाइनली 12:30 बज गए और हम लोग निकल गए। 2 hours 30 minutes बताया हड़पसर पुणे से डाला है, तो 2.5 घंटा बताया उसमें। ऑलमोस्ट 4 बज गए, हम लोग रोड घूम गए थे, हम लोग ने नेविगेशन में डाला था पर प्रॉब्लम क्या हुआ, नेविगेशन भी सेव किया था हमने क्योंकि इधर रेंज नहीं है कुछ भी और अननोन प्लेस है, फर्स्ट टाइम आ रहे तो पता नहीं। यहाँ पर कुछ पार्किंग थी पीछे ऐसी और वहाँ पर हमने कार पार्क किया। हमें थोड़ी सी बारिश लगी थी, वो भी रिमझिम एकदम ड्रिजल हो गई थी, बाकी का कुछ इतना ज्यादा बारिश नहीं लगा। उतने टाइम जब हम लोग ने हाईवे से लोनावला हाईवे, तो वहाँ पर खाने के बहुत सारे स्पॉट है, तो आप वहाँ पर खा के आना, ढाबा एंड ऑल काफी ढाबे वहाँ पर। यहाँ पर खाने को कुछ भी नहीं है, तो ऐसे कुछ रोड है पूरा, सब लोग आगे जा रहे हैं। धूप भी आप देख सकते हैं काफी है और शाम भी होने को आई है। तो आते टाइम हम लोग घूम गए थे, बहुत सारे लोगों को हमने पूछा, किसी ने सही बताया, तो एक बंदे ने गलत बताने की वजह से हम लोग ऑलमोस्ट 15 to 20 किलोमीटर गलत प्लेस पे गए थे। गूगल मैप का भी सेव करके कुछ फायदा नहीं हुआ, हम लोग अलग ही डेस्टिनेशन पे आ गए थे। नेचर वगैरह तो अच्छा दिख रहा है, ये बंदर है क्या, उससे भी आवाज आया अभी गाड़ी में से। तो आप सामने देख सकते है वो वाटरफॉल है और यहाँ से ऐसे कुछ जंगल जैसे, काफी ऑसम लग रहा है आप देख सकते हैं। तो हमारा एक्चुअल में प्लान वही था कि ठोकरवाड़ी करके कुछ तो भी है वहाँ पर, वो वाटरफॉल पे जाना था, ठोकरवाड़ी वाटरफॉल पे, पर अभी हम लोग वी हैव एंड अप विच प्लेस आई डोंट नो। तो एक है इधर जो यहाँ पर सब काउज एंड ऑल है, तो उनका देखभाल करने वाला बंदा है, तो मैं उनको पूछता हूँ भैया हम कहाँ पर है एग्जैक्टली, अभी कौन से गाँव में और कहाँ पर है हम लोग। भेंदेवाड़ी धबधबा, तो भेंदेवाड़ी करके धबधबा है तो वहाँ पर है अभी हम लोग। और ठोकरवाड़ी किधर आया, आगे है क्या, और तो ठोकरवाड़ी करके जो डैम है वो आगे है शायद से, यहाँ से आगे है क्या, कितना किलोमीटर। हाँ, तो यहाँ से 6-7 किलोमीटर आप जब भी आगे जाओगे बेंदरवाड़ा से, ठोकरवाड़ी का डैम लगेगा ना। और अरे चलो आगे वाटरफॉल, क्या तुम्हारा सेल्फी चालू हो गया, चलो आगे। एक तो सुबह से इतनी धूप पड़ी थी और आप जाके कुछ तो भी थोड़ा सा अच्छा मौसम हो गया है और वाटरफॉल भी काफी खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से। बहुत दिन हो गए बारिश नहीं गिर रही है, यहाँ पर पानी जो है वाटरफॉल का वो भी काफी कम है, फाइनली कुछ तो देखने मिला, तो उम्मीद में आए थे वो तो नहीं मिला। ये फोटो में मैंने क्या देखा था, वाटरफॉल गिर रहा है और उसके आगे स्टेयर्स है पूरा, और स्टेयर्स के ऊपर से भी वाटरफॉल पूरा नीचे ये हो रहा था, काफी खूबसूरत दिख रहा था, वो होप में मैं आया था। और यहाँ पर कुछ ऐसे दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ अभी। अभी हम लोग इतना धूप, सुबह से 12 बजे से निकले कार में धूप, इधर आने तक धूप, और अभी आप देख सकते हैं इतनी जोर से बारिश हो रही थी और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पानी का फ्लो काफी बढ़ गया है अभी, और मेरा आवाज भी थोड़ा सा कम आता रहेगा क्योंकि यहाँ पर पानी का फ्लो बहुत बढ़ गया है, इसके लिए उसका आवाज आता रहेगा ज्यादा। एक नंबर विषय, ये स्पॉट पे ये टोटली हिडन प्लेस है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भी कोई भी बंदा नहीं है और इसके पीछे एक केव है, उसमें पानी है पूरा। ऊपर मैं फोन लेके नहीं गया था कैमरा क्योंकि बारिश भी बहुत जोर से हो रही थी, मेरे को सब मेरा इक्विपमेंट रखना पड़ा, माइक एंड ऑल सब निकल के। और ये झाड़ वगैरह आप देख सकते है काफी खूबसूरत है और काफी हाइजीन पूरा, यहाँ पर कचरा भी आप देख सकते हैं कितना हाइजीन है, यहाँ पर लोग आते नहीं है, इसके लिए यहाँ पर कचरा, पानी का बॉटल या फिर रैपर, प्लास्टिक कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, और पानी भी इतना साफ है। और काफी मजा आया यहाँ पर, सुबह से इतना यहाँ पर आने तक मूड ऑफ था, मैं व्लॉग नहीं करने वाला था, मैंने सोचा आप लोगों को ये जगह दिखा दूंगा मैं। ऑलमोस्ट 6:30-7 बजने को आए और ऐसे ना हो, हम लोग फर्स्ट टाइम आए, अभी अंधेरा हो जाएगा और हम लोग को रोड नहीं मिलेगा। ये रोड आपको लगता है मेरे को, इधर से नहीं आए अपन, चल ये चलेगा। हाँ चल, ऊपर से आए रे, खूबसूरत
दिख रहा है यार वाटरफॉल यहाँ से भी दूर से। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है वाटरफॉल। थोड़ा मैंने जूम किया है, अभी जूम आउट कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा पानी गिरा है, थोड़ा लेंस पे पानी गिरा है, पर ठीक है चल कोई बात नहीं। बारिश बहुत हो रही है, बारिश बहुत हो रही है जोर से। आप ऐसे एक्सप्लोर करिए बहुत जगह। यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा पर जाना पड़ेगा, नए नए प्लेसेस एक्सप्लोर करने। अगर आप इस चैनल पर नए हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन भी दबाओ। आई होप सो मैं बीमार ना गिरूं यार, मेरे को वही बात का डर है। मैं आपको मिलाना चाहूंगा मेरे छोटे भाई से, कजन भाई है मेरा तन्वेश। तो इसने ही ये जगह रेकमेंड की थी। बारिश होने की वजह से आपको बताता हूँ मैं आगे का भी रास्ता। तो ऐसे कुछ पूरा रास्ता है, आते टाइम आपने देखा जैसे कि पूरा ड्राई था रास्ता, और अभी आप देख सकते हैं पूरा पानी पानी हो गया है, और भागने के वजह से थोड़ी सी सांस चढ़ गई थी। आई होप मेरा फोन भी खराब ना हो, बहुत भूख लगी यार। चल अरे अपन इधर किधर निकले, ये था क्या? अबे ये तो अलग जगह पे निकले। हाँ वो देख, वो आदमी देख जिससे बात की अपन ने, देख वो उधर ही है। अपा इधर से वो रोड उधर देख, वो आदमी उधर ही रुका है और हम लोग गलत रास्ते से निकले, अपन ने उधर ही बाहर लगाया। अगर आपको आना होगा तो ये मंदिर देख लेना, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता ये रास्ता, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग कहाँ पर, तो किसी के घर के पीछे साइड निकल गए हम लोग। क्या खूबसूरत दिख रहा है गाइस, आप देख सकते हो पूरा फॉग आया माउंटेन के पीछे, और यहाँ पर ऐसे फार्म टाइप पूरा राइस लगाया। ऐसे निकलते हो बाहर, 15-20 मिनट से अपन ढूंढ ही रहे रोड मिल ही नहीं रहा था, फाइनली मिल गया। गाइस इतनी भूख लगी है, और पीछे क्लाइमेट देख सकते हैं आप, पूरा माउंटेन पूरा कवर हो गया है फॉग से। काफी खूबसूरत व्यू के साथ फ्रेश एयर, ऐसे बारिश, ऐसे व्यू देखने का मजा ही कुछ अलग है गाइस। आप देख सकते हैं ग्रीनरी कितनी खूबसूरत दिख रही है। सामने का व्यू बताऊंगा मैं आपको, इतना सुंदर दिख रहा है। ये देख लो एक बार सिर्फ, वो रहा वाटरफॉल, और वहां से पूरा फॉग आ गया, पूरा फॉग। इसके पहले के वीडियो में आपने कम देखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा फॉग आया है। फाइनली हमें रोड लग गया शायद से। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे कुछ कमा नहीं यहाँ पर, ये बस स्टॉप टाइप है कुछ तो भी, और इस पे नाम तो नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा फॉग से कवर हो गया, और काफी जोर से बारिश गिर रही है, आड़ी ऐसी बारिश गिर रही है तो पूरा लेंस पे लग रहा है। आई होप मेरा फोन खराब ना हो। देख सकते हैं आप वही वाटरफॉल है। तो अगर आपको दिखा रोड से जाते टाइम, ये रहा वाटरफॉल। वाओ क्या खूब, अभी गाइस वो दिख रहा नहीं था बाहर से वाटरफॉल। वो जो रोड है, ये रोड है, ये मेन रोड है, तो यहाँ से हम जब ये आ रहे थे तो हमारा जो पॉइंट है वो आगे और 20 किलोमीटर पे, तो हमको ये ऐसे खूबसूरत सा माउंटेन और हल्का सा वाटरफॉल दिखा, तो हम लोग बोले यार मेरा मूड ऑफ हो गया कि अरे यार क्या वाटरफॉल है, मज़ा नहीं आ गया, पूरा खिरखिरा हो गया मज़ा। उसके बाद में वहाँ पर गए तो थोड़ा सा पानी आ रहा था वाटरफॉल ऊपर से, और बाद में जैसे बारिश चालू हो गई इतना पानी आ गया वाटरफॉल में। यहाँ पर हमने कार पार्क की थी, यहाँ से हम लोग गए थे, ये रोड से मैंने दिखाया था, ये रोड से पूरा ऐसे घूम के माउंटेन के यहाँ से ये वाटरफॉल मिला। यहाँ पर ये जो माउंटेन है, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा, तो यहाँ पर चार वाटरफॉल है जो कि अब भी दिखने लगे हमको। तो आपको बताता हूँ मैं जूम करके, तो ये रहा वो वाटरफॉल जहाँ पर हम गए थे, और ये रहा और एक ऊपर से जो आ रहा है, और ये रहा वो थर्ड वाला, और ये रहा फोर्थ वाला वाटरफॉल, और यहाँ पर पहाड़ी चल रही है अभी। सबसे पहले अभी होटल देख के खाना खाना है, जिसके लिए आए थे वो तो कंप्लीट हुआ, आप देख सकते हैं पीछे। लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, बस अभी फिर से गिल्ला हो रहा है, अभी जस्ट चेंज किया मैंने, अभी फिर से गिल्ला नहीं होना है गाइस। अभी सबने चेंज कर लिया, और बाहर भी गया था मैं विंडो के, आपने जो वीडियो देखा, और यहाँ पर अभी तक मैं जहाँ से आ रहा था तो वहाँ से 10 से 20 वाटरफॉल में आपको बताना चाहूंगा। ये बहुत बड़ा है वाटरफॉल, माउंटेन के ऊपर फॉग एंड ऑल, और ये वाटरफॉल बोल रहा था मैं। वाओ ये वाटरफॉल का पानी पूरा यहाँ से नीचे आ रहा है। तो ऑलमोस्ट एक घंटे बाद हम लोग मेन रोड पे लग गए लोनावाला वाले होटल शिवराज करके, तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है बुलेट थाली करके कुछ तो भी है, तो
अगर एक आदमी ने वो पूरा प्लेट जो है, ये वाला प्लेट जो पीछे आप देख सकते हैं, ये वाला प्लेट अगर किसी ने एक घंटे में पूरा खा लिया तो उनको एक बुलेट जो बाइक है वो फ्री में मिल जाएगी। और वो थाली की प्राइस है 3,200। तो वो थाली तो अभी हम लोग ट्राई नहीं करेंगे, स्पेशली एक दिन आएंगे वो खाने के लिए। फाइनली खाना हो गया, काफ़ी बढ़िया था खाना, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पर होटल शिवराज में आके खाना खा। अगर आप लोनावला को जा रहे तो ये पीछे का जो हाईवे, यहाँ से आगे लोनावला जाते भी मैं यहाँ पर ही एंड करूंगा। तो लाइक करो, नए हो सब्सक्राइब करो, शेयर करो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड कमेंट डाउन बिलो यू गाइस। रुको जरा, सबर करो। What's the way? हाथों कम ना करके मेरे पैरों पाए चंगे हैं रे। होशियारे भी मत करो, होशियारे भी न कर मेरे फोटोस को। मेरे फोटो को सीने से चिपका ले सैया फेविकॉल से। बत्तो बत्तो बत्त, थोड़ा मूड खराब कर दिया।